राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी का मृत पुत्रों के लिए शोक तथा द्रौपदी की प्रेरणा से भीमसेन का अश्वत्थामा को मारने के लिए जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, वह रात बीतने पर धृष्टद्युम्न के सारथी ने राजा युधिष्ठिर को शिविर में सोए हुए वीरों के संहार की सूचना दी। उसने कहा, महाराज, राजा द्रुपद के पुत्रों के सहित सब द्रौपदी पुत्र शिविर में निश्चिंत होकर बेखबर सोए हुए थे। वे सभी मार डाले गए। आज रात्रि में क्रूर कृतवर्मा, कृपाचार्य और पापी अश्वत्थामा ने आपके सारे शिविर को नष्ट कर डाला है। इन्होंने प्रास, शक्ति और फरसों से हजारों योद्धा तथा हाथी घोड़ों को काटकर आपकी सेना का संहार कर डाला है। कृतवर्मा कुछ व्यग्र चित्त था, इसलिए सारी सेना में से एक मैं ही किसी प्रकार बचकर निकल आया हूँ। सारथी की यह अमंगलवाणी सुनकर कुंती नंदन युधिष्ठिर पुत्र शोक से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय सात्यकी, भीमसेन, अर्जुन और नकुल सहदेव ने उन्हें संभाला। चेत होने पर वे विलाप करते हुए कहने लगे, हाय, हम तो शत्रुओं को जीत चुके थे, किंतु आज उन्होंने हमें जीत लिया। हमने भाई, संव्यसक, पिता, पुत्र, मित्र, बंधु, मंत्री और पौत्रों की हत्या करके तो जय प्राप्त की, किंतु इस प्रकार जीत कर भी आज हम जीत लिए गए। कभी-कभी अनर्थ अर्थ सा जान पड़ता है तथा अर्थ सी दिखाई देने वाली वस्तु अनर्थ के रूप में परिणत हो जाती है। इसी प्रकार हमारी यह विजय पराजय सी हो गई है और शत्रुओं की पराजय भी विजय सी हो गई। इस मनुष्य लोक में प्रमाद से बढ़कर मनुष्य की कोई और मृत्यु नहीं है। प्रमादी मनुष्य को अर्थ सब प्रकार त्याग देते हैं तथा उसे अनर्थ सब ओर से घेर लेते हैं। वह विद्या, तप, वैभव और यश किसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार कोई व्यापारियों का बेड़ा समुद्र को पार करके किसी छोटी सी नदी में डूब जाए, उसी प्रकार आज हमारे प्रमाद से ही ये इंद्र के तुल्य राजाओं के पुत्र सहज ही में मारे गए हैं। शत्रुओं ने अमरश्वश जिन्हें सोते हुए ही मार डाला है, वे तो निसंदेह स्वर्ग सिधार गए हैं, परंतु मुझे तो द्रौपदी की चिंता है, क्योंकि जिस समय वह अपने भाइयों, पुत्रों और बूढ़े पिता पांचाल राज द्रुपद की मृत्यु का समाचार सुनेगी, उस समय उनके शोक जनित दुख को कैसे सह सकेगी? उसके हृदय में तो आग सी लग जाएगी। इस प्रकार अत्यंत दीनता से विलाप करते करते वे नकुल से कहने लगे, भैया, तुम जाओ और मंद भागिनी द्रौपदी को उसके मात्र पक्ष की स्त्रियों सहित यहाँ लिवा लाओ। धर्मराज की आज्ञा पाकर नकुल रथ पर सवार हो उस डेरे की ओर गया जहाँ पांचाल राज की महिलाएं और महारानी द्रौपदी थी। नकुल को भेजकर महाराज युधिष्ठिर शोकाकुल सुहृदों के सहित रोते रोते उस स्थान पर गए जहाँ उनके पुत्र मरे पड़े थे। उस भीषण स्थान में पहुंचकर उन्होंने अपने खून में लतपत सुहृद और सखाओं को पृथ्वी पर पड़े देखा। उनके अंग प्रत्यंग कटे हुए थे और बहुतों के सिर भी काट लिए गए थे। उन्हें देखकर महाराज युधिष्ठिर बहुत ही खिन्न हुए और फूट फूट कर रोने लगे। अपने पुत्र, पौत्र और मित्रों को संग्राम में मरे देखकर वे अत्यंत दुखातुर हो गए। उनकी आंखों में आंसुओं की बाढ़ सी आ गई, शरीर कांपने लगा और बार-बार मूर्छा आने लगी। तब उनके सुहृद गण अत्यंत उदास होकर उन्हें धीरज बंधाने लगे। इसी समय शोकाकुल द्रौपदी को रथ में लेकर वहां नकुल पहुंचा। वह उपलव्य नामक स्थान में गई हुई थी, जिस समय उसने अपने सब पुत्रों को मारे जाने का अत्यंत अशुभ समाचार सुना, वह तो बहुत ही दुखी हुई। उसका मुख शोक से बिल्कुल फीका पड़ गया और वह राजा युधिष्ठिर के पास पहुंचकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरते देख महापराक्रमी भीमसेन ने लपककर अपनी दोनों भुजाओं में पकड़ लिया
और उसे ढाढ़स बंधाया। तब वह रो कर राजा युधिष्ठिर से कहने लगी, राजन, अपने वीर पुत्रों को क्षात्र धर्म के अनुसार मारा गया सुनकर आप तो उपलव्य नगर में मेरे साथ रहकर याद भी नहीं करेंगे। परंतु पापी अश्वत्थामा ने उन्हें सोते हुए ही मार डाला। यह सुनकर मुझे तो उनका शोक आग की तरह जला रहा है। यदि आप आज ही साथियों के सहित उस पापी के जीवन का अंत नहीं करेंगे और वह अपने कुकर्म का फल नहीं पाएगा, तो याद रखिए, मैं यहीं आजीवन अनशन व्रत आरंभ कर दूंगी। ऐसा कहकर यशस्विनी द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर के समीप ही बैठ गई। तब धर्मराज ने अपनी प्रिया को पास ही बैठे देखकर कहा, धर्मज्ञ, तुम्हारे पुत्र और भाई धर्मपूर्वक युद्ध करके वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तुम्हें उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा तो यहां से बहुत दूर दुर्गम वन में चला गया है, उसे मार भी डाला जाए तो तुम्हें यह बात कैसे मालूम होगी? द्रौपदी ने कहा, राजन, मैंने सुना है कि अश्वत्थामा के सिर में जन्म के साथ ही उत्पन्न हुई एक मणि है, सो संग्राम में उस पापी का वध करके उस मणि को ले आना चाहिए। मेरा यही विचार है कि उसे आपके सिर पर धारण कराकर ही मैं जीवन धारण करूंगी। धर्मराज से ऐसा कहकर फिर द्रौपदी ने भीमसेन के पास आकर कहा, भीमसेन, आप क्षात्र धर्म की ओर देखकर मेरी रक्षा करें। इंद्र ने जैसे शंबरासुर को मारा था, उसी प्रकार आप उस पापी का वध करें। यहां आपके समान पराक्रमी और कोई पुरुष नहीं है। वारणावत नगर में जब पांडवों पर बड़ा संकट आ पड़ा था, तब आपने ही इन्हें सहारा दिया था। हिडिंबासुर से पाला पड़ने पर भी आप ही इनके रक्षक हुए थे। विराट नगर में जब कीचक ने मुझे बहुत तंग किया था, तब भी आप ही ने उस दुख से मेरा उद्धार किया था। आपने जिस प्रकार ये बड़े-बड़े काम किए हैं, उसी प्रकार इस द्रोण पुत्र को मारकर भी प्रसन्न होइए। द्रौपदी का यह तरह-तरह का विलाप और भीषण दुख देखकर भीमदेव सह न सके, वे अश्वत्थामा को मारने का निश्चय कर एक सुंदर धनुष लेकर रथ पर सवार हो गए तथा नकुल को अपना सारथी बनाया। उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष की टंकार की और शीघ्र ही घोड़ों को हकवा दिया। छावनी से निकलकर उन्होंने अश्वत्थामा के रथ का चिन्ह देखते हुए बड़ी तेजी से उसका पीछा किया।